दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की एक और नई अपडेट में आप सबका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र का अपडेट देखने वाले हैं, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा विरार सेक्शन का अपडेट होगा। आज हम पैकेज 13 और 14 का अपडेट देखने वाले हैं इस वीडियो में। अभी हम फिलहाल विरार इंटरचेंज के पास में हैं। आज हम विरार JNPT का 2 से 3 किलोमीटर का हिस्सा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी आप जो देख रहे हैं, विरार इंटरचेंज विजलेश्वरी इंटरचेंज को कनेक्ट करता है, ये जो कि तकरीबन 17 किलोमीटर लंबा पैच है। अभी आप देख पा रहे होंगे किसी किसी हिस्से में अर्थवर्क कंप्लीट है तो किसी किसी हिस्से में अभी काम पेंडिंग है। फिलहाल इस वक्त काम बहुत तेज़ी से है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पूरे हिस्से में मिट्टी डाल के कवर किया जा रहा है इसको। इसके बाद PQC लेन डाली जाएगी इसके ऊपर। अभी जो हम देख रहे हैं वो विरार से JNPT का सेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा। ये आपको तंसा रिवर दिख रहा है, जिसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि 600 मीटर का होने वाला है। इसके पिलर्स बन के कंप्लीट हैं, जबकि अभी इसमें गटर लंचिंग का काम होना अभी बाकी है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का विरार इंटरचेंज है, जो कि NH 48 पे बनाया जा रहा है। अगर आप इधर की तरफ जाते हैं तो आप विरार की तरफ चले जाते हैं, और इधर जाते हैं तो आप पालघर की साइड में चले जाते हैं NH 48 के थ्रू। और ये एक्सप्रेसवे सीधा जाएगा आपका दिल्ली की तरफ। इस NH 48 पे आपका एंट्री और एग्ज़िट का पॉइंट बन रहा है, जिसका अभी अर्थवर्क का काम भी आपको स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। इस इंटरचेंज का कंप्लीशन डेट 2025 का है, जो कि आपको बहुत जल्द बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर NH 48 के ऊपर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे गटर लॉन्चिंग का काम कर दिया गया है। अभी बीच की लेन स्टॉप करके वापस से शुरू कर दी गई है, ताकि वाहनों का आना जाना इस पे चलता रहे। गटर लॉन्च के बाद इसके ऊपर अभी स्लैब का काम होना बाकी है। अभी हम पैकेज 13 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मासवान इंटरचेंज से लेके विरार इंटरचेंज तक होने वाला है, जो कि 27 किलोमीटर लंबा पैच है, जिसका अभी हम अपडेट देख रहे हैं। इस पैकेज पे आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा होगा। PQC का भी काम आपको लगभग हर जगह कंप्लीट होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ तक आपको काम कंप्लीट दिख रहा है। इसके आगे डोलीबाड़ा विलेज है, जिसका काम अभी पेंडिंग है। ज़मीन का एक्विजिशन अभी तक नहीं हो पाया है इसकी वजह से। फिलहाल अभी इस पूरे के पूरे एरिया में मार्किंग वगैरह का काम स्टार्ट हो चुका है।
इस पूरे एरिया में सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, बाकी इसके आगे का पूरा आपको पीक्यूसी लेन काम होता हुआ दिख रहा होगा। इसके आगे वेटरना रिवर है, जिसका वीडियो हम नेक्स्ट अपडेट में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।